हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए, आज हम बनाने जा रहे हैं बीन्स की सब्जी। देखिए, ये मैंने सब्जी साफ कर कर धो कर काट लिया। ये दाने भी हैं इसमें, और ये आलू हमने छील कर साफ कर कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। आइए, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हमने इसमें तेल गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, ये हमने दो लाल मिर्च लिए है, ये डाल देंगे, थोड़ा सा हींग। हमारा छौंक तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने काट कर रखी थी सब्जी। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और ऐसे मिलाते जाएंगे। अब हम डालेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। हमने इसमें लाल मिर्च का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि छोटे बच्चे भी घर में सब्जी खाते हैं, इसलिए आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। दो मिनट हो चुकी है, अब देखिए थोड़ा भून चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी। जिससे कि अच्छी तरह से बनकर आ जाए। और अब हम इसको पकने के लिए ढककर रख देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आइए, हम देखते हैं कैसे बन रही है हमारी सब्जी। अब हम इसको उतार लेते हैं। देखिए कितनी अच्छे तरीके से बनकर आई है हमारी बीन्स आलू की सब्जी। और हम आप इसको चलाते हुए ऐसे मिलाएंगे। ये सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी लगती है। हमारे घर में तो सब इसको बहुत पसंद करते हैं, बच्चे को बहुत पसंद करते हैं। और आप इसको नाश्ते में भी ले सकते हैं, लंच में भी, रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट एक अलग ही पड़ जाता है अगर आप इसको इसमें लाल मिर्च छौंक में डालेंगे तो टेस्ट अलग ही आ जाएगा। आप इस तरीके से बना कर देखिए और खाइए और सबको खिलाइए, बच्चे भी आपके बहुत पसंद करेंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी। और आप इसको बनाकर ऐसे ही पूरे परिवार को खिलाइए और बच्चे भी आपके बहुत पसंद करेंगे। मेरे बच्चे तो इसको बहुत पसंद करते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और नई वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।